आज हम पढ़ने जा रहे हैं दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। कोई भी संख्या दिया है जो दशमलव में है और उसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए हम देखते हैं सर्वसाधारण आसान तरीका से, देखें क्या ये कितना है, 144 है, तो हम इसको पहले रूट में लगा दे रहा हूँ। रूट में लगा दीजिए या जिस तरह आपको सुविधा हो, ऐसे मैंने रूट में लगा दिया। ये मैं देखा है किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, ये तो मुझे पता था इसलिए मैंने लिख दिया 12 का स्क्वायर है। और यहाँ पर देखिए क्या है, दो अंक के बाद है तो दो का आधा कितना, एक, एक अंक उसमें बैठा दीजिए और इसका स्क्वायर लगा करके काट दीजिए रूट। आंसर हो गया 1.2 आंसर। कैसे ज्ञात करेंगे, तो 9.1204 रूट लगा देंगे, इसको दो दो के अंक में डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर दो हो जाएगा और यहाँ पर देख लीजिए ये दो अंक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको तीन को एक जगह मान लिया, ठीक है, तो ये 30 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये दो का स्क्वायर हो जाएगा, रख दिया मैंने, ये जीरो है तो दो का स्क्वायर और ये 9 से है तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा। दशमलव कहाँ पड़ेगा, चार अंक है तो आधा दो अंक ये कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 3.02 आंसर हो जाएगा। अगला देखो दोस्तों, अगला 1.2544। अब ये किसका स्क्वायर से देख लीजिए, दो अंक ले लिए हम, ये भी कितना का स्क्वायर हो जाएगा, दो का स्क्वायर है, ठीक है, और ये कितना का है, यहाँ से यहाँ देख लीजिए 3 को, 11 का स्क्वायर है, मतलब क्या हो गया, ये 11 तो होगा और 2 भी होगा, 112 का स्क्वायर है, परंतु दशमलव कहाँ पड़ेगा, तो दशमलव कहाँ पड़ेगा, तो 4 का था 2 अंक, तो 2 अंक का मतलब 1, 2 यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है, आपका ये आंसर हो गया, ठीक है, और इसको हटा दीजिए स्क्वायर हटा करके, 1.12 आंसर, मतलब 1.12 का, मतलब 1.12 का ये वर्गमूल है, ठीक है, मतलब वो स्क्वायर हो गया। अगला यहाँ देख लीजिए, 9.9925 किसका वर्ग है, तो किसका वर्ग है तो देख लीजिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये 5 का और ये 9 है और ये कितना है सो देख लीजिए, तो ये दिखाई दे रहा है 5, ठीक है 5, ये जो अभी हमने बनाया था यहाँ पर ये 9 से ज़्यादा है, मतलब कि ये 30 से ज़्यादा है, मतलब ये 31 का स्क्वायर होगा, कितना का स्क्वायर होगा 31, क्योंकि ये 30 का स्क्वायर 9 से 32 का तो होगा नहीं, 32 का कितना होता 10 से 24 होता, तो 32 तो है नहीं, कितना 31 ही होगा, और 31 ये हो गया और 5 ये हो गया, ठीक है, दशमलव कहाँ पड़ेगा इसका आधा यहाँ पर, तो कितना 31.5 का आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये है देख लीजिए, आपको ये पता है कि 5 से 6 24 का स्क्वायर है, ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी आपको पता ही है, तो हम क्या करेंगे लिख देंगे कितना 24, और यहाँ पर दशमलव कहाँ पड़ेगा वो देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 सॉरी एक और होगा दोस्तों, ठीक है 6 कितना हो जाएगा 6 होगा और होगा। अब क्या होगा इसका मतलब कि दशमलव पड़ेगा कहाँ, इसका आधा कर दीजिए, मतलब 2 से भाग कर दीजिए, तो 6 है ना, तो 3 मतलब 1, 2, 3 दशमलव हो जाएगा 0.024, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम काट देते हैं, रूट हटा देते हैं, तो 0.024 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला देख लीजिए, ये जो है कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर है तो 56, 16 तो होगा ही, दशमलव कहाँ पड़ेगा, एक मिनट रुक जाइए, पुनः लिख लीजिए इसको, 0.2426 7 2 4 6 7 6 16 हो जाएगा, आइए 10 है, 10 का कितना 5, 1, 2, 3, 4, 5 इसका स्क्वायर है ये, मतलब कि ये 0.00016 का स्क्वायर है ये, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर कमेंट कर दीजिएगा, मैं पुनः बता दूंगा, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, कभी भी किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना हो, स्क्वायर ज्ञात करना हो, तो कैसे करने का तरीका क्या है, जैसे कि 1024 मैंने लिख दिया, ठीक है, दशमलव कहीं भी लगाया, लेकिन दशमलव याद रखना कि दशमलव जो लगा होता है वो सम संख्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वर्गमूल में दशमलव की संख्या सम होती है, क्या होती है सम, मतलब कि ये अगर ये कर देना विषम पर तो ये वर्गमूल नहीं बनेगा, ठीक है, इसलिए हमको सम में होना चाहिए, अंक की संख्या क्या ना सम होना चाहिए तब जाकर वर्गमूल निकलता है, ठीक है। तो जैसे कि 1024 है मान लिया, अब यहाँ पर दशमलव कहाँ पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पर दूँ साल सही बनेगा, यहाँ पर दूंगा साल गलत बन जाएगा, तो यहाँ पर देना पड़ेगा दशमलव या तो यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लिया कि यहाँ पर दशमलव मैंने कर दिया, अब ये निकालने के लिए बहुत सारे बच्चों को याद भी होंगे, नहीं भी याद होंगे, और जिनको याद है अच्छी बात है, नहीं याद है क्या करोगे,
ये दो का डिवाइड लेते हैं, मतलब दो दो को हम अलग अलग करता हूँ दो पार्टों में, ठीक है। तो ये तीन का स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये मान लिया मैंने। और ये जो है 24, तो ये देखिए दो का स्क्वायर कितना हो गया, दो का स्क्वायर हो गया, आंसर हो गया 3.2 का आंसर हो गया, ठीक है, 10 24।